फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे वचन के बारे में। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये महत्वपूर्ण विषय है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, एक वचन। शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी, पेड़, पहिया इत्यादि। बहुवचन। शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक और अनेक होने का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, पहिए, जूते आदि। कोई भी संज्ञा शब्द तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक उसे लिंग भेद से ना जोड़ा जाए अथवा उसे एकवचन या बहुवचन में प्रयोग ना किया जाए। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वचनों के बारे में बातें। स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए को ए में बदल देते हैं। जैसे कलम, कलमे, नहर, नहरे, मेज, मेजे, बेल, बेले, बहन, बहने, आंख, आंखें, सड़क, सड़कें। अभी हम बात कर रहे थे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो अ होता है, जिनके एंड में, जिनके लास्ट में अ होता है, उस अ को बदल के हम ए कर देते हैं। म, मी, र, रे, ज, जी। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर अथवा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ की ध्वनि आए तो ए लगाते हैं। जैसे अगर आ की ध्वनि आ रही है तो हम ए लगा देंगे। हत्या, हत्याएं। विद्या, विद्याएं। माता, माताएं। आत्मा, आत्माएं। चिंता, चिताएं। चिंता, चिंताएं। कथा, कथाएं। गाथा, गाथाएं। हवा, हवाएं। तो हमने अकारांत शब्द में आ को हटा के ए लगाया है। बात करते हैं इकारांत शब्द की। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं। रीति, ई, रीतियाँ। नीति, नीतियाँ। हमने जहाँ भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं वहाँ पर हमने या जोड़ दिया है। जाति, जातियाँ। शक्ति, शक्तियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। लिपि, लिपियाँ। निधि, निधियाँ। समिति, समितियाँ। तिथि, तिथियाँ। इकारांत शब्द में हम लास्ट में या जोड़ देंगे। ये शब्द ऐसे कैसे ही रहेगा, उसमें अलग से हम या जोड़ देंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर शब्द बनाना। गलती, गलतियाँ। इस ई को हमने ई में बदल दिया है। ई को ई में बदल दिया है। बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल दिया है। मिठाई, मिठाइयाँ। बड़े ई को छोटे ई में बदल दिया है। दवाई, दवाइयाँ। ई, ई। बधाई, बधाइयाँ। और हमने यह जोड़ दिया है। मात्रा बदलनी है और यह जोड़ना है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी की मात्रा को छोटे में बदलना है और यह जोड़ना है। नारी, नारियाँ। सहेली, सहेलियाँ। सीटी, सीटियाँ। रोटी, रोटियाँ। बेटी, बेटियाँ। पेटी, पेटियाँ। जूती, जूतियाँ। पत्नी, पत्नियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। अब हम बात करते हैं उकारांत, उकारांत, ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ते हैं। वस्तु, वस्तुएं। धातु, धातुएं। ऋतु, ऋतुएं। गो, गोएं। उकारांत में ऊ को ऊ में बदलकर ए लगाएं। बहु, बहुएं। ऊ को ऊ में बदलकर ए लगाएं। वधु, वधुएं। निर्नासिक या अनुनासिक या में बदलकर। पुड़िया, पुड़ियाँ। चिड़िया, चिड़ियाँ। खटिया, खटियाँ।
गुड़िया गुड़िया। ये हमने बात की स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन की। एक वचन बहुवचन में हमारे दो होते हैं भेद, एक वचन बहुवचन, हमारे दो भेद होते हैं एक वचन बहुवचन, फिर उसमें होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी हमने बात की स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन की, अब हम पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर कमीना कमीने, कुत्ता कुत्ते, कमाना कमाने, कोआ कोए, तमाचा तमाचे, गधा गधे, तोता तोते, केला केले, पैसा पैसे, छाता छाते, लड़का लड़के, कुर्ता कुर्ते, बच्चा बच्चे, सच्चा सच्चे, छाता छाते। इसमें हम जितने भी हमारे आ हैं आ को हमने ए में बदल दिया है। संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में प्राय समान रहते हैं। जैसे मामा का मामा ही रहेगा, नाना का नाना, चाचा चाचा, फूफा फूफा, दादा दादा, बाबा बाबा, काका काका, पापा पापा। मामा का मामे नहीं हो सकता। मामा का पुल्लिंग शब्द में वचन क्रम बदलते हैं तो मामा ही रहेगा। अकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द दोनों वचनों में प्राय समान रहते हैं। योद्धा योद्धा, दाता दाता, वक्ता वक्ता, भ्राता भ्राता, राजा राजा, अभिनेता अभिनेता, कर्ता कर्ता, श्रोता श्रोता। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अलावा अन्य स्वरों से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं। मकान मकान, भवन भवन, मुनि मुनि, साधु साधु, डाकू डाकू, सन्यासी सन्यासी, तपस्वी तपस्वी। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जैसे एक वचन में ऐसे ही बहुवचन में रहेंगे। हम बात करते हैं आगे। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक वचन है, पर फिर भी हम जा रहे हैं का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें आदर प्रकट कर रहे हैं। बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। राजा साहब बोले हमें ईमानदार मंत्री चाहिए। राजा साहब भी एक वचन है और मंत्री भी एक ही है, फिर हम प्रयोग कर राजा साहब बोले हमें ईमानदार मंत्री चाहिए। तू एक वचन के स्थान पर बहुवचन तुम या आपका प्रयोग किया जाता है। आंसू बाल लोग होश दर्शन प्राण दाम हस्ताक्षर समाचार आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। आकाश पानी जनता वर्षा सत्य प्रजा आदि सदैव ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। समूहवाचक संज्ञाएं भीड़ परिवार सभा दल आदि का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। आज हमने की वचन के बारे में बात। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है वचन, उसके बारे में हमने उसके भेद पढ़े और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग परिवर्तन के नियम पढ़े हमने। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस तरह वचन का परिवर्तन किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे वचन के बारे में। हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, महत्वपूर्ण विषय है वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो एक वचन। शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या पदार्थ के एक होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कुर्सी पेड़ पहिया इत्यादि। बहुवचन शब्द के जिस रूप में किसी व्यक्ति वस्तु प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक और अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ पहिए जूते आदि। कोई भी संज्ञा शब्द तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक उसे लिंग भेद से ना जोड़ा जाए अथवा उसे एकवचन या बहुवचन में प्रयोग ना किया जाए। अब हम करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वचनों के बारे में बातें। स्त्रीलिंग शब्दों के
वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए को ए में बदल देते हैं, जैसे कलम कलमे, नहर नहरे, मेज मेजे, बेल बेले, बहन बहने, आँख आँखें, सड़क सड़कें। अभी हम बात कर रहे थे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो अ होता है, जिनके एंड में, जिनके लास्ट में अ होता है, उस अ को बदल के हम ए कर देते हैं। म मी र रे ज जे। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द में ए जोड़कर अथवा स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ की ध्वनि आए तो ए लगाते हैं। जैसे अगर आ की ध्वनि आ रही है तो हम ए लगा देंगे। हत्या हत्याएं, विद्या विद्याएं, माता माताएं, आत्मा आत्माएं, चिंता चिताएं, चिंता चिंताएं, कथा कथाएं, गाथा गाथाएं, हवा हवाएं। तो हमने अकारांत शब्द में आ को हटा के ए लगाया है। बात करते हैं इकारांत शब्द की। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देते हैं। रीति ई, रीतियाँ, नीति नीतियाँ। हमने जहाँ भी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द आ रहे हैं वहाँ पर हमने या जोड़ दिया है। जाति जातियाँ, शक्ति शक्तियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, लिपि लिपियाँ, निधि निधियाँ, समिति समितियाँ, तिथि तिथियाँ। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द में हम लास्ट में या जोड़ देंगे। ये शब्द ऐसे कर सही रहेगा, उसमें अलग से हम या जोड़ देंगे। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को ई में बदलकर तथा या जोड़कर शब्द बनाना। गलती गलतियाँ, इस ई को हमने ई में बदल दिया है, ई को ई में बदल दिया है, बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल दिया है। मिठाई मिठाइयाँ, बड़े ई को छोटे ई में बदल दिया है। दवाई दवाइयाँ, ई ई। बधाई बधाइयाँ, और हमने यह जोड़ दिया है, मात्रा बदल दी है और यह जोड़ना है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ी की मात्रा को छोटे में बदलना है और या जोड़ना है। नारी नारियां, सहेली सहेलियां, सीटी सीटियां, रोटी रोटियां, बेटी बेटियां, पेटी पेटियां, जूती जूतियां, पत्नी पत्नियां, साड़ी साड़ियां। अब हम बात करते हैं उकारांत उकारांत ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ते हैं। वस्तु वस्तुएं, धातु धातुएं, ऋतु ऋतुएं, गो गोएं। उकारांत में ऊ को ऊ में बदलकर ए लगाएं। बहु बहुएं, ऊ को ऊ में बदलकर ए लगाएं। वधु वधुएं। निर्नासिक या अनुनासिक या में बदलकर पुड़िया पुड़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, खटिया खटियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ। ये हमने बात की स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन की। एक वचन बहुवचन में हमारे दो होते हैं भेद, एक वचन बहुवचन, हमारे दो भेद होते हैं एक वचन बहुवचन, फिर उसमें होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी हमने बात की स्त्रीलिंग शब्दों के वचन परिवर्तन की, अब हम पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के बारे में बात करते हैं। पुल्लिंग शब्दों के वचन परिवर्तन के नियम। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर कमीना कमीने, कुत्ता कुत्ते, कमाना कमाने, कोआ कोए, तमाचा तमाचे, गधा गधे, तोता तोते, केला केले, पैसा पैसे, छाता छाते, लड़का लड़के, कुर्ता कुर्ते, बच्चा बच्चे,
सच्चा सच्चे, छाता छाते, इसमें हम जितने भी हमारे आ हैं आ को हमने ए में बदल दिया है। संबंध दर्शाने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में प्राय समान रहते हैं, जैसे मामा का मामा ही रहेगा, नाना का नाना, चाचा चाचा, फूफा फूफा, दादा दादा, बाबा बाबा, काका काका, पापा पापा। मामा का मामे नहीं हो सकता, मामा का पुल्लिंग शब्द में वचन क्रम बदलते हैं तो मामा ही रहेगा। अकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्द दोनों वचनों में प्राय समान रहते हैं, योद्धा योद्धा, दाता दाता, वक्ता वक्ता, व्राता व्राता, राजा राजा, अभिनेता अभिनेता, कर्ता कर्ता, श्रोता श्रोता। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अलावा अन्य स्वरों अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अलावा अन्य स्वरों से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, मकान मकान, भवन भवन, मुनि मुनि, साधु साधु, डाकू डाकू, सन्यासी सन्यासी, तपस्वी तपस्वी। इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, जैसे एक वचन में ऐसे ही बहुवचन में रहेंगे। हम बात करते हैं आगे, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर जा रहे हैं, प्रधानमंत्री एक वचन है पर फिर भी हम जा रहे हैं का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें आदर प्रकट कर रहे हैं। बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। राजा साहब बोले हमें ईमानदार मंत्री चाहिए, राजा साहब भी एक वचन है और मंत्री भी एक ही है, फिर हम प्रयोग कर राजा साहब बोले हमें ईमानदार मंत्री चाहिए। तू एक वचन के स्थान पर बहुवचन तुम या आपका प्रयोग किया जाता है। आंसू बाल लोग होश दर्शन प्राण दाम हस्ताक्षर समाचार आदि शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है। आकाश पानी जनता वर्षा सत्य प्रजा आदि सदैव ही एक वचन में प्रयोग होते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। समूहवाचक संज्ञाएं भीड़ परिवार सभा दल आदि का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। आज हमने की वचन के बारे में बात, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण विषय है वचन, उसके बारे में हमने उसके भेद पढ़े और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग परिवर्तन के नियम पढ़े हमने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में किस तरह वचन का परिवर्तन किया जाता है।